यहाँ क्यों आए हैं? ये देखने आए कि हम कितने आराम से जी रहे हैं? ये पकड़ो इसे। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। I want divorce. Divorce agreement. बड़े आए हमसे डिवोर्स लेने वाले। ये लीजिए डिवोर्स। आपको हमसे डिवोर्स चाहिए ताकि आप अपनी गुड़िया गुंजन के साथ शादी कर पाए, है ना मयंक जी? याद रखिए, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हम आपको गुंजन से कभी शादी नहीं करने देंगे, आप उसके कभी नहीं हो पाएंगे, समझे आप? हम आपका ये प्लान भी चौपट कर देंगे। याद रखिएगा, आप हमसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएंगे, कभी भी नहीं। बेशक हम इस नरक में तड़पते रहे, तड़पते रहे, लेकिन ये पेपर हम कभी साइन नहीं करें। साइन नहीं करोगे मतलब? चारू, हमारी शादी सिर्फ नाम की रह गई है और ये रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे और मेरे परिवार के साथ किया, उस सब के बाद मैं तुम्हें वापस लाना चाहूंगा? ये गलत फहमी छोड़ तो जा। और इन पेपर्स पे चुपचाप साइन करो। गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, जितना रोना है रोते रहो, लेकिन आप हमसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़वा पाएंगे, कभी भी नहीं। चारू, जिद करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तो वैसे भी कोई नहीं होगा। हम आपको खुश नहीं रहने देंगे। नुकसान पे नुकसान ना पहुंचाया ना अब, हमारा नाम भी चारू नहीं। अगर हम इस नर्क में जी रहे, हम आपको भी कभी खुश नहीं रहने देंगे। जाइए यहाँ से। अरे ये क्या चिल्लम चिल्ली लगा रखी है? और तुम चलो, तुम्हारा टाइम हो गया। लेके जाइए इन्हें, इससे भी आपकी कोई दाल कर लेने वाली यहाँ पे। अरे अक्ल तो मैं ठिकाने लगा के रहूंगा। और एक बात याद रखना, ये डाइवोर्स ये मैं तुमसे लेके रहूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस बस, बाकी सब बातें बाद में। तुम जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझी? हाँ हाँ, जाइए यहाँ से। देखते हो वैसे भी आप क्या कर सकते हैं। देख लूंगा तुम्हें। चलो मम्मी, हमें एक वकील चाहिए, इस देश का सबसे अच्छा वकील। हम इस डिवोर्स केस के खिलाफ लड़ेंगे, नियम जी पे केस करेंगे। ठीक है बेटा। हेलो बेटा, चारू ने पेपर साइन कर दिए हैं ना? आपको क्या लगता है कि वो आसानी से मान जाएगी? साफ मुंह पे इनकार कर दिया। क्या, मना कर दिया? अच्छा ठीक है, तुम घर आ जाओ। आता हूँ माँ, लेकिन थोड़ी देर में। मैं नौकरी के सिलसिले में किसी से मिलने, उनसे मिलके फिर आता हूँ। मयंक, एक्सक्यूज मी। यस मयंक गर्ग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तुम ही हो ना, तुम्हारी वजह से एडी ने शादी को मना कर दिया। तुम मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ोगे ना? हे भगवान, हमने देखा ही नहीं, हम साफ कर देते हैं। छोड़िए, क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही थी आप मयंक के बारे में ना? क्या बताए संगीता, मयंक सुबह से घर से गया हुआ है, ना कुछ खाया ना पिया, अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी।
भगवान जाने हमारे बच्चे की परेशानियों का अंत कब होगा। वैसे एक बात कही थी दीदी, आकाश भाई साहब को मयंक को कुछ भी कहने से पहले एक बार अपने बेटे को भी देख लेना चाहिए। माना कि हमारे मयंक की गलती, लेकिन कुंजन उसका भी तो दोष है ना। वो तो 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया लौट जाएगी, लेकिन हमारा मयंक का क्या होगा दीदी। क्या कहे संगीता, किस्मत ही अपना साथ ना दे तो। इनके पास पैसा होता है ना, वो अपने हर गम को खुशी में बदल लेते। गुंजन तो अपने पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, उसके पापा वहां ले जाकर उसे समझा बुझाकर उसकी शादी किसी आदित्य जैसे लड़के से करवा देंगे। लेकिन यहां हमारा बच्चा धक्के खाते हुए अपनी जिंदगी का बोझ ऐसे ढोते रहेगा। ना हमारे बच्चे को गुंजन मिली, ना उसकी खुशियां। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट। थैंक यू। आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। टेल मी समथिंग, पहली नौकरी इतनी जल्दी छोड़ दी? एक्चुअली छोड़ने को कहा गया था, हुआ ये था कि मैं एक डाउरी केस में एक्यूज किया गया था। कंपनी को इस बारे में पता लग गया, लेकिन सर वो केस छूटा था। सारी तहकीकात के बाद मुझे बेल मिल गई थी, और जो मेरी वाइफ थी वो अब जेल में। लेकिन अब भगवान की दया से सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। ओह गुड, आपकी डिग्रीज अच्छी हैं। थैंक यू सर। पर अफसोस, ये हमारी छोटी कंपनी है, हमने जिस पोस्ट की एड दी थी ना, उसके लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं। आप जैसे रेज्यूमे के लिए ओपनिंग जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइट है। पर मैं आपका रेज्यूमे रख लेता हूँ, एंड आई विल ट्राई। सर दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आप प्लीज मेरी क्वालिफिकेशंस या डिग्री से मत जाइए। अभी के लिए मुझे जैसी भी नौकरी मिले मैं कर लूंगा। एक्चुअली बात क्या है कि मुझे जल्द से जल्द काम शुरू करना है। एक बार जब काम शुरू हो जाएगा फिर थोड़े टाइम के बाद मैं शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं 2-3 दिन में बताता हूँ। तुम मेरी बेटी के लायक कभी नहीं बन पाओगे, इसलिए 3 दिन में शी विल बी आउट ऑफ योर लाइफ। एक सेकेंड, मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है, वो आपके लिए सही आदमी हो सकता है। ये लीजिए उसका कार्ड, और मेरा रेफरेंस देकर उससे बात कीजिए। मेरा मानना है कि आपको अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, तब तक मैं आपका CV फॉरवर्ड करता हूँ, क्या पता किस्मत आपके साथ हो। जी जरूर सर, मैं आपके फ्रेंड से जरूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम यहां हो? I've been looking all over for you. अच्छा सुनो, टिकट्स अरेंज हो चुकी है, अपनी पैकिंग शुरू कर दो। आई नो बेटा इट्स टफ, लेकिन देखना स्लोली बट श्योरली तुम समझ जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और तुम जानती हो कि मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। स्माइल स्माइल। अच्छा पैकिंग करो, ओके। अरे रचना बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट होता तो तुम्हें भी साथ लेकर जाता, दोनों बहनें साथ रहती और दिल लगा रहता, इसका भी और तुम्हारा भी।
अपने आप को कमजोर मत बनाओ। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि तुम मान कैसे गई हमें सबको भैया को छोड़कर जाने के लिए राजी कैसे हो गई। कुंजल नहीं जाना चाहती रचना, एक सेकंड के लिए भी मयंक से दूर नहीं जाना चाहती, जबकि वो खुद मुझे जाने को कह रहा है। यू नो व्हाट, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। He's going through the worst phase of his life. कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इसकी जिंदगी में, और अगर मैं भी चली गई तो मत जाओ ना प्लीज। जरा सोचो गुंजन, मौसा जी तुम्हें यहां से क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि उनका ये मानना है कि भैया तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए। लेकिन गुंजन, जिस दिन भैया ये साबित कर देंगे कि वो तुम्हारे लायक है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है, सच्ची अपनी राय बदल देंगे ना। हाँ, पर तू कोशिश करके देखो। पर वैसे भी तुमसे अच्छा मौसा जी को और कौन मनाना जानता है? उन्हें समझाओ, ट्राई करो मुझे, शायद वो मान जाए। भला ये भी कोई बात हुई? चारू ऐसे कैसे तलाक नहीं देगी? तलाक तो उसे हर हालत में देना होगा। लेकिन वो आसानी से मानने वाली नहीं है। हमें लगता है कि लखनऊ जाकर किसी और भी बड़े वकील से बात करनी पड़ेगी। उस लड़की के जाने के बाद भी उससे पीछा नहीं छूट रहा है। सोचा था जब वो चली जाएगी आकाश जी से गुंजन और मयंक के बारे में बात करेंगे, शायद वो मान भी जाते। लेकिन अब हमें गुंजन और मैं की बहुत चिंता हो रही है। कितने परेशान लग रहे हैं वो, अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। क्या आकाश जी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है? वो देख नहीं सकते उनके दर्द को? कैसे देखेंगे किसी दूसरे का दुख और दर्द जब उनकी नजरों में गुस्सा भरा हुआ है। शायद एक बार ये गुस्सा शांत हो जाए तब शायद समझे। देखें, इसलिए मेहरबानी करके उन्हें इस वक्त नहीं छेड़ना। मयंक अभी तक आया नहीं? अभी वो नौकरी के सिलसिले में गया। लो आ गया। बस बेटा, तुम्हारी बात हो रही थी, 100 साल जियोगे तुम। क्या हुआ मयंक? कुछ नहीं पापा, अपना सीवी देके आए उन्हें और वो बोले के बताएंगे। बेटा तुम कहो तो हम नायर साहब से बात करें, उनका बेटा किसी एमएनसी में कोई ऊंची पोस्ट पर है। नहीं पापा, मुझे नौकरी सिफारिश पे नहीं, मेरी काबिलियत पे चाहिए। आई नो, आज नहीं तो कल, एक हफ्ता, दो हफ्ता, जितना भी वक्त लगेगा मुझे नौकरी मिल जाएगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। बस तब तक थोड़ा सब्र करेंगे और फिर आप सबका आशीर्वाद है ना, आई एम श्योर। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ सब ठीक होगा क्योंकि हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं ना। ताई जी, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन बेटा बाद में क्यों? सुबह से अन्न का एक दाना तुम्हारे पेट में नहीं गया और कह रहे हो कि नहीं। मां, मैंने अपने वकील को बुलाया है और चारों के घर से आई एक एक चीज सब तैयार रखी है। हम सब कुछ उन्हें वापस लौटाएंगे। लेकिन बेटा क्यों? उसने भी तो हमारे घर का इतना नुकसान किया है, फिर हम उसकी चीजें वापस क्यों दें? मां, नुकसान की बात नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि उसके परिवार से आई कोई भी चीज इस घर में मुझे नहीं चाहिए, बस। सीमा, मैं ठीक कह रहा है,
जब उस परिवार से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है तो उनकी चीजें हम क्यों रखें? एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूं। जरा गुंजन के साथ बाहर जाता हूं, बस यही मार्केट तक। बात यह है कि जाने के लिए 3 दिन बचे तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। हम अभी आए जी। कम। लेकिन पापा ने कहा है वो 3 दिन में मुझे यहां से ले जाएंगे। यू थिंक ये सब हो पाएगा? हो पाएगा, why not? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं 2-3 दिन में बताता हूँ। आपको हमसे डिवोर्स चाहिए ताकि आप अपनी गुड़िया गुंजन के साथ शादी कर पाए। 3 दिन में she will be out of your life। लेकिन पापा ने कहा है वो 3 दिन में मुझे यू थिंक ये सब हो पाएगा? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं 2-3 दिन में बताता हूँ। जाने के लिए 3 दिन बचे, के लिए 3 दिन बचे शॉपिंग करने। हेलो, हाय मयंक, दिस इज राघव हियर। जी सर। जी मैं अभी अपना सीवी आपके पास छोड़ के आया था। हाँ, आप अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर रहे थे, राइट? क्या हुआ सर? आई एम सॉरी, उसके वहां भी इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है। वो कह रहा था शायद 1-2 महीने में कुछ निकल आए। 1 महीना? ठीक है सर, फिर क्या कर सकते हैं। थैंक यू। अरे रचना, आप मेरे काम करोगी? बोलिए भैया। प्लीज ताई जी से कह दो कि मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। भैया हमारे पास एक आइडिया है। क्या? आप और गुंजन दोनों मिलकर आराम से मौसा जी से बात क्यों नहीं करते? जिस इंसान को मेरी शक्ल देखने तक पसंद नहीं है उनसे बात करना इम्पॉसिबल है रचना। नहीं, मैं उनसे क्या बात करूं? ऐसा है तो जब उनका अच्छा मूड। अच्छा मूड नहीं रचना, जब तक वो इस घर में रहेंगे ना उनका मूड अच्छा नहीं होगा। सो जस्ट फॉरगेट इट। और अगर मूड ठीक कर दिया तो? गुंजन, जो मन में आए खरीद लो, एंड बाय समथिंग टिपिकली इंडियन, क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया की मॉल्स में और सब कुछ मिल जाता है। और पता नहीं कि इंडिया कब आना हो। पापा क्या मतलब फिर कब आना हो? फिर क्यों आएंगे? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना बार बार आने की। एक मिनट पापा। हेलो। हाँ रचना बोलो। हमारे पास एक आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, इट्स पॉसिबल, लेकिन क्या मयंक मानेगा? वही तो तुम्हें करना है। अगर उन्हें गुंजन वापस चाहिए तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा।